बढ़िया फिल्टर कॉफी। अगर आपको ये कॉफी पीनी है तो आपको आना होगा CCH। हाँ, मैं इस वक्त आई हूँ वडोदरा आइकॉनिक एंड ओल्डेस्ट कैफे, दैट्स कैनेरा कॉफी हाउस। Old, पुराना है ये कैनेरा कॉफी हाउस, लेकिन अभी अपने नए अवतार में आ गया है। आइए देखते हैं इसका नया लुक। कैनेरा कॉफी हाउस फेमस है अपनी सिग्नेचर महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियन डिशेस के लिए। हालांकि इसका लुक बदल गया है, नए अवतार में आ गया है, लेकिन जो जायका है वो आज भी वही पुराना है जो 68 इयर्स पहले था। आपकी प्लेट खाली है, आप हजम कर चुके हैं जो भी मंगाया था। क्या ऑर्डर किया? मसाला उत्तपा। क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत सारी वराइटीज है महाराष्ट्रियन एंड साउथ इंडियन, आपकी फेवरेट कौन सी? मसाला उत्तपा एंड दही वड़ा। ये खा रहे थे, इनको मैंने थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया। क्या रिलिश कर रहे हैं? मैं मेरे पिताजी के टाइम से यहाँ आता हूँ और उस जमाने में भुना मिसल और दूसरा एक जो बचपन का स्वीट मेमोरी है वो चार ग्लूकोज के बिस्किट वाला एक पैकेट आता था जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथिलीन बैग में देते थे, वो भी बंद हो गया। और आने के बाद एक बार उसको रिमाइंड भी करवाया कि भाई वो भी चालू करो, क्योंकि काउंटर के ऊपर एक बर्नी जैसा रहता था उसके अंदर वो रखते थे, तो स्वीट मेमोरी है अभी तक। और इसलिए हम आते बार बार, और चालू होने के बाद अभी तक ये तीसरी बार है हमारा। जब से ये रिस्टार्ट हुआ उसके बाद, मैंने कहा ना ये नया अवतार है कैनेरा कॉफी हाउस का। और आपने कहा आप अपने पिताजी के साथ आते थे बचपन से आते थे, तब से लेके अब तक जायके में कोई फर्क है? मैंने कहा ना आइकॉनिक कैफे, ओल्डेस्ट कैफे ऑफ वडोदरा, लेकिन जायका आज भी वही पुराना है। आपकी फेवरेट डिश कौन सी? मेरा फेवरेट पूना मिसल। पूना मिसल मैं बता दूं, इसकी स्पेशलिटी है कैनेरा कॉफी हाउस की। इतने सालों में कोई स्वाद में फर्क आया? नहीं नहीं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं है। टेस्ट में कोई फर्क नहीं। आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ मैम। क्या खा रहे हैं आप और कैसा लग रहा है? मैसूर मसाला, अच्छा है टेस्ट। यहाँ से हैं? हमारे अहमदाबाद से। डिफरेंस है। अहमदाबाद से अलग। अच्छा, मतलब ये अहमदाबाद से आए हैं। अब आप अहमदाबाद से आए हैं तो बता दीजिए कि वहाँ के और यहाँ के जायके में क्या फ़र्क है? वो तो कैसे, टेस्ट अलग ही लग रहा है। नाइस नाइस नाइस। मैंने कहा ना महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियन डिशेज जो है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ और ये भी महाराष्ट्रियन है। आपने पूना मिसल ट्राई किया है कि नहीं? आप महाराष्ट्रियन है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कैनेरा कॉफ़ी हाउस का जो स्पेशल या जो कहें ना सालों पुराने डिश, लोग यहाँ आते थे पूना मिसल खाने के लिए, तो उसका जायका ज़रूर लें। CCH फेमस है अपने पूना मिसल के लिए और मैंगो और पाइनएप्पल शरबत के लिए।
कॉफी हाउस बरोडियंस के लिए तो कोई नया नाम है नहीं, काफी पुराना कैफे है ये, बड़ोड़ा का आइकॉनिक कैफे है और उन दिनों उपमा और पूना मिसल इसके लिए काफ़ी फेमस था। और ये जो दो आप शरबत देख रहे हैं, दैट्स मैंगो शरबत एंड पाइनएप्पल शरबत, ये भी यहाँ के सिग्नेचर शरबत है मैं कह सकती हूँ, क्योंकि सालों पुराने हैं। क्योंकि मैंने कहा पूना मिसल इनकी मेन डिश है, तो आइए सबसे पहले इसका जायका लेते हैं। हमें पानी आ रहा है क्योंकि मैंने इसको बनते हुए देखा, वॉज क्वाइट टेम्पटिंग। देखो आप व्यूअर्स, आपके लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ, बट एनीथिंग फॉर फूडीज। वाओ, स्प्राउट, सेव, दही, अनियन, इसका जो कॉम्बिनेशन है इट्स रियली ग्रेट, नो डाउट ये यहाँ की सिग्नेचर डिश है। बरोड़ियंस को तो पता ही है यहाँ क्या खाना है, लेकिन जो बरोड़ा के नहीं हैं और ये शो देख रहे हैं, तो पूना मिसल कैनरा कॉफी हाउस का जरूर ट्राई करें। और शरबत, जूना जमाने ना अपने कैरी नो शरबत ने पाइनएप्पल नो शरबत अपने नानी ना दादी ना घरे पीता, वो वाली सारी यादें जो है इस वक्त मुझे ताजा हो रही है। पाइनएप्पल शरबत इज इक्वली गुड। गौरी जी, कैनेरा कॉफी हाउस का लोकेशन चेंज हो गया है, लेकिन मेनू में कोई वेरिएशन और चेंजेस आए? हमने कैनेरा में अभी नया इंट्रोड्यूस किया है मैसूर मसाला डोसा और मैसूर सादा डोसा विद बटर और चीज़ और बोथ। मतलब महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियन जो इनकी सिग्नेचर डिशेज हैं, जो इतने सालों से चली आ रही है, जैसे उपमा है, पूना मिसल है, डोसा के जो वर्जन्स है जैसे सादा डोसा है, मेंदू वड़ा, इडली, साउथ इंडियन जो भी वैरायटीज हैं वो तो है, उसके अलावा ये एडिशन हुआ है क्योंकि बड़ोदरा शहर के लोग चटोरे हैं, थोड़ा सा स्वाद में वेरिएशन चाहिए, तो चीज़ बटर ऐड हो गया है। क्या नया लेकर आ रहे हैं आप बरोडियंस के लिए? कुछ भी नहीं, यही हमारा, हम जो घर में खाते हैं हमारे साउथ पीपल, वही हम उनको दे रहे हैं। दूसरा नया बोलो तो हमारे खुद के कर्नाटक में ही कुछ ऐसा वेरिएशन, मतलब उसके साथ खेलते नहीं हैं, जो ट्रेडिशनली खाते हैं वही सर्व करते हैं। आप किसी भी भाग में जाएंगे कर्नाटक के, तो वो पाव भाजी के साथ आपको डोसा नहीं देंगे, वो आपको उनका ऑथेंटिक डोसा के साथ सांभर और चटनी ही सर्व करेंगे। हम जो खाते हैं वही परोसते हैं, यानी घर का स्वाद, घर जैसा खाना आपको यहाँ मिलता है, वो भी जायकेदार, टेस्टी। मैं तो कहूँगी कि हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, यहाँ आ सकते हैं। चीज़ें बहुत स्पाइसी भी नहीं है, फिर भी टेस्टी है, टेंगी है, डिलीशियस हैं। एनी सरप्राइजेस फॉर बरोडियंस? यस, देयर होगा, लेकिन कुछ महीनों में हम करेंगे मैंगलोरियन डिशेस जो है, जो हम घर में खाते हैं वो सर्व करना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा बरोडियंस में। बिल्कुल बिल्कुल, कैनेरा कॉफ़ी हाउस जो है वो शहरवासियों का फेवरेट है, सालों पुराना है, द ओल्डेस्ट कैफ़े, तो अगर कुछ सरप्राइज पैकेज हमारे लिए तैयार हो रहा है तो हम क्यों नहीं आएंगे? कैनेरा कॉफ़ी हाउस की एक खास बात और है, उनका किचन जो है इट्स ओपन। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि भाई फ्रेश बन रहा है कि नहीं, किस तरह से बन रहा है, तो आप बेझिझक जा सकते हैं और देख सकते हैं। हमारा किचन जो है हमने ओपन रखा हुआ है, सो दैट पीपल कैन पीप इन इट, और वो अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि वो कैसे प्रिपरेशन हो रहा है, हाइजीनिकली है
और जो हम अपने घर में पका रहे हैं वही सेम पका के उनको देते हैं। और A1 क्वालिटी का हमारा वेजिटेबल्स, हमारे पल्सेस सब हाइजीनिक और फ्रेश रहता है। डेली मॉर्निंग में मैं अपने स्टाफ के साथ जाके वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स पिक करके इधर लाती हूँ। कस्टमर्स के सामने ही होता है सब, और देर इज़ नो हिडन ट्रूथ बिहाइंड इट।